हाय गाइस, आई होप ऑल यू डूइंग फाइन। तो मैंने कहा आज आपसे फिर थोड़ी सी बात कर लें, यहाँ पे करंटली जो ग्रीस में सिचुएशन चल रही है उस बारे में। तो 27 तक है यहाँ पे लॉकडाउन, अभी उसके बाद ये डिसीजन लेंगे जो भी लिया। लेकिन अब जो न्यू केसेस हैं उनकी तादाद काफ़ी कम हो चुकी है यहाँ पे। वो कल जो थी वो न्यू केसेस की तादाद वो 10 थे सिर्फ। तो अब देखते हैं, आई होप फॉर द बेस्ट। तो आज थोड़े से मुझे काम थे बाहर, एक दो वो करने जाने हैं काम। तो मैंने कहा चलो आपको भी साथ लेके चलते हैं, आपसे भी थोड़ी सी आपको भी थोड़ा शो करते हैं कहाँ पे यहाँ पे क्या चल रहा है और कहाँ तक पहुँचा लॉकडाउन। तो अभी फिल किया था वो फॉर्म इंटरनेट से, वेबसाइट से, कि फॉर अलाउइंग मी टू गो आउट फॉर सम पर्पस। तो अभी वो वेट कर रहा था, अभी उन्होंने मुझे वो अलाउ किया जाने का। सो नो आई एम गोइंग आउट। तो ये अब घर से बाहर निकला हूँ। ये साइड पे मेरे लेफ्ट हैंड पे जो है ये स्कूल है, और कम ही रोड पे लोग हैं अभी। नॉर्मली ये बहुत बिजी रहता है सारा रोड, और ये घर से लेकर मेट्रो तक साइड लेफ्ट साइड पे फुल जंगल है। हर तरफ दरख्त ही दरख्त, और ग्रीनरी सी ये स्पेशल इन्होंने रखी हुई है। ये भी एथेंस ही, लेकिन ये इन्होंने ना ज़्यादातर ग्रीनरी पे तवज्जो दी हुई है, इवन सिटीज़ में तो। नॉर्मल ये स्कूल का ग्राउंड भी है, और नॉर्मल हर कोई यहाँ पे फुटबॉल खेल सकता है। तो आजकल तो वीरान पड़े हुए हैं सारे ही। तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको दिखा दें ये फुटबॉल का ग्राउंड भी। ये जंगल अभी कंटिन्यू चल रहा है साथ में, तो दरख्त हैं, ग्रीनरी है, बहुत फ्रेश फील हो रहा है यहाँ पे। तो ट्रैक भी सारे खाली है, नॉर्मल लोग यहाँ पे चल रहे होते हैं, चहल कदमी कर रहे होते हैं। तो उस लिहाज से इतनी गाड़ियाँ भी नहीं हैं जितनी नॉर्मल दिनों में इस रोड पे हुआ करती हैं। ये बस स्टॉप है, और ये यहाँ पे बैठने के लिए उन्होंने रखा हुआ है, लोग वेट कर सकते हैं, या थोड़ा रेस्ट करना चाह रही हूँ तो कर सकते हैं। तो यहाँ से राइट साइड पे मेट्रो का स्टॉप आ जाना है। ये यहाँ पे टैक्सी स्टैंड और बस स्टॉप भी रहता है, और साथ में मेट्रो भी है। तो अभी मैं मेट्रो स्टॉप पे पहुँच चुका हूँ, तो अब यहाँ से टिकट लेके थोड़ा सा जाना है सेंटर। अभी चलो यहाँ से टिकट निकालते हैं। कैश पे किया मैंने, और ये 1 यूरो 40 सेंट की टिकट है जो मैंने इंसर्ट किया मनी, और ये टिकट निकल गया। रिसिप्ट भी साथ में देते हैं वो, मैंने वहीं पर डस्टबिन। और ये एंटर हो गया मेट्रो में, वो मेट्रो अब निकल गई है मेरी, जो टिकट ले रहा था मैं CSNA में। तो अब दूसरी का वेट करूँगा जब तक वो आएगी। मेट्रो भी आ गई अब। दरवाज़ा खुला और ये मैं अंदर गया। इतने लोग नहीं है मेट्रो में आज, जिस लिहाज से नॉर्मल इसमें हुआ करते हैं। यार यहाँ पे विंड काफ़ी आ रही है दोनों साइडों से। अब ये एग्ज़िट हो रहा हूँ मैं, सेंटर पहुँच गया हूँ। अब ये बाहर निकले हूँ मेट्रो स्टॉप से, और चल रहा हूँ बैंक की तरफ जहाँ पे मुझे काम था थोड़ा। तो शॉप सारी बंद पड़ी हुई हैं, सब कुछ इवन के हर काम से रिलेटेड बंद पड़ी हुई हैं सारी शॉप्स। ये मेरा नंबर है, टोकन नंबर, जो वेट कर रहा हूँ मैं। और देखें लोग हैं ही नहीं, सारा नॉर्मल, ये बड़ा बिजी रहता है एरिया, यहाँ पे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा। तो मैंने कहा आपसे थोड़ी सी
बात कर लेते यहाँ पे खड़े हो गए, और इसी रचना में मेरा नंबर आ गया, मैंने डन किया वहाँ से बैंक का काम, और अब वापस आ गया हूँ मैं घर की तरफ। चारों मेट्रो से निकल आया हूँ, तो ऑन द वे बैक टू होम। सो गाइस, मैं अभी वापस आ गया हूँ, तो जो काम थे वो कर आया हूँ। एक दो था वो बैंक जाना था, एक और दो थे ज़रूरी काम, वो किए हैं, तो अभी पहुँच गया हूँ घर। तो ओवरऑल अच्छा था, आई मीन इतने दिनों के बाद सफ़र किया लंबा सा थोड़ा, तो आई फील लिटिल टायर्ड, लेकिन ओवरऑल वॉज वेरी गुड। तो टेक केयर गाइस, सी यू।